राइट इन दी पार्क। तो ऑल राइट, हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग एक पेट नाम के बंदे को दिखा कर होती है, जो कि ये हर एक आम दिन की तरह नॉर्मली स्टेट पार्क के वोट वाले इलाके में आकर सर पे कैमरा लगाते हुए बाइक राइडिंग करने के लिए ही आया था। तो तभी ही कुछ ही दूर आगे जाती ही आउट ऑफ नोवेयर अचानक से एक कारा नाम की औरत वो बहुत ही बुरी तरीके से, जिसके चेहरे और कपड़ों पे बेसिकली शॉकिंगली खून लगा हुआ था, इन्हीं झाड़ियों की तरफ से डरी हुई रोते हुए बाहर आती है। तो एनीवेज कारा वो पिट को दे उससे अपने बॉयफ्रेंड के किसी मैटर के बारे में हेल्प वगैरह ही मांग रही थी। तो तभी ही उससे ही वक्त अचानक से कारा को एकदम से खून की उल्टियां होना शुरू हो जाती है। तो जिसे देख पास में ही खड़ा पेट वो इस बारे में कुछ करता ही, तो तभी ही उसी ही दौरान सामने बनी हुई झाड़ियों की तरफ से जहाँ से कारा भाग के आई थी ठीक उधर से ही कुछ बड़े ही अजीब से ही दिखने वाले इंसान, जो कि प्रोबेबली जॉम्बी की तरह दिख रहे थे, बुरी तरीके से चिल्लाते हुए पेट की तरफ ही आ रहे थे। तो अब जहाँ पर पेट वो इसे दिल दहला देने वाले सीन को अपने आंखों के सामने देख ठीक पीछे ही जाकर कारा को इधर से लेकर जाता ही, तो तभी ही उसी ही दौरान कारा के पीछे मुड़ते ही हम सभी ही देख पाते हैं कि वो अचानक से एक बड़ी ही कृपी से दिखने वाली ज़ॉम्बी बन गई होती है, जो कि एकदम से बड़े ही बेरहमी से पेट के गले पे काट लेती है। बट समहाउ पेट वो जैसे तैसे पास में ही पड़ी हुई ईंट को देख कारा के सर को बुरी तरीके से कुचल के उससे फोड़ पीछे की तरफ से आ रहे उन कृपी लोगों से अपनी जान बचा फिलहाल के लिए इधर से भाग जाता है। तो खैर अब मीनवाइल भागते भागते पीट, जिसको सैम कारा के तरह ही खून की उल्टियां होना शुरू हो गई थी, ये ठीक अपने सामने साइकिलिंग करते हुए आ रहे कपल को देख उनसे हेल्प ही मांगता। तो उसी ही दौरान पीट वो एकदम से खड़ा हो अचानक से माइकल और उसकी पत्नी जेनिफर के हाथों पे काट लेता है, क्योंकि अब पीट भी वो सैम कारा की तरह ही कहीं ना कहीं इन्फेक्ट होके ज़ॉम्बी बन गया था। तो बस माइकल एंड जेनिफर के पेट के दोबारा ऐसे ज़ॉम्बी बनती हैं। माइकल जिसकी हालत इस हमले के दौरान कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि पेट ने अपने दांतों की मदद से उसके गाल को ही फाड़ कर अलग कर दिया होता है। तो एग्जैक्टली इसी ही चीज को देखते हुए पेट एंड जेनिफर माइकल को जमीन पे पड़ा हुआ देख तुरंत ही उसके पेट को फाड़ अंदर निकले हुए वेस्ट एंड अंथड़ियों को कच्चा ही खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात अभी इधर ही खत्म नहीं होती। वेल माइकल जो कि अब वो भी पूरी तरीके से अपने पेट के ऐसे फट जाने के बाद भी स्टिल जिंदा था एंड फाइनली पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका था, पेट माइकल जेनिफर वो तीनों खड़े होकर इसे ही स्टेट पार्क के बगल में ही हो रही एक बर्थडे पार्टी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर कोई जॉनसन नाम की फैमिली पार्क में घटे उन सभी ही इंसिडेंट से अनजान बेफिक्र होकर पार्टी वगैरह ही कर रहे थे। तो तभी ही उसी ही वक्त जैसा कि मैंने आप सभी को भी बताया, माइकल जेनिफर एंड पेट वो तीनों जैसे तैसे इस पार्टी के अंदर आ जाते हैं। तो बस इस पार्टी के अंदर आती ही वो तीनों इन्फेक्टेड लोग मिलकर यहाँ पर मौजूद उन सभी ही लोगों को बुरी तरीके से काट कर उनकी बॉडीज को फाड़ अंदर निकले हुए मांस को कच्चा ही खाना शुरू कर देते हैं, जिसमें शॉकिंगली छोटे बच्चे एंड कुछ बूढ़े लोग भी थे। तो हाउएवर इसे ही पार्टी के अंदर मौजूद शैन वो जैसे तैसे अपने बच्चों को उन क्रीपी लोगों से बचा कार के अंदर बैठकर इधर से जा ही रहा था, तो तभी ही वो गलती से अपनी गन कार की खिड़की से नीचे गिरा देता है। तो पीछे ही खड़ा इन्फेक्टेड पीट वो तुरंत ही उस गन के पास जाकर उसको उठाता ही, तो तभी ही एट द मोमेंट अचानक से पीट से एकदम से वो गन चल जाती है, जहाँ पर वो बंदूक से अपना ही भेजा फाड़ कर शॉकिंगली उसे ही वक्त मर जाता है। और बस इसी ही क्रीपी एंडिंग के साथ हमारी ये स्टोरी पीट के ऐसे मरते ही ठीक इधर ही एंड हो जाती है। सेफ हेवन। तो ऑल राइट, हमारी सेकंड स्टोरी की स्टार्टिंग इंडो एशिया के एक पेरेडाइज गेट, जो कि एक काइंड ऑफ हॉस्पिटल था, उसको दिखाकर होती है, जहाँ पर हम सभी ही इन्हीं चार हाथों में कैमरा लिए हुए अमेरिकन्स को देखते हैं, जो कि वह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए इस हॉस्पिटल के अंदर आए हुए थे, जिन सभी के ही नाम लीना एडम माइक एंड जॉन होते हैं। तो बस इस हॉस्पिटल के अंदर आती हैं मिस्टर चौ, जो कि वो इस पेरेडाइज के एचओटी थे, वो चारों अमेरिकन मिलकर उनका इंटरव्यू ही ले रहे थे। तो तभी ही इंटरव्यू के दौरान अचानक से ठीक पीछे ही खड़ी लीना को उल्टी जैसा फील होने लगता है। तो इस अनएक्सपेक्टिंग सीन को देख जॉन, जो कि मिस्टर चौ का इंटरव्यू ले रहा था, वो तुरंत ही माइक को लीना के साथ हॉस्पिटल के बाहर जाकर ताजे हवा खाने के लिए भेज देता है, ताकि लीना वो अंदर से अच्छा फील कर सके। सो बाय द वे, लीना एंड माइक के इधर से जाती हैं जॉन, जो कि वो चाव का इंटरव्यू ही ले रहा था। तो रिकॉर्डिंग करते वक्त ही अचानक से एडम की कैमरे की रीली खत्म हो जाती है। तो इस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग चीज को देखते हुए जॉन वो फिलहाल के लिए एडम को चाव के ऑफिस के अंदर ही बैठे रहने के लिए कहता है, और खुद बाहर जाकर कार के अंदर रखे हुए रील्स लेने के लिए चले जाता है।
तो हाउ एवर आप कार की तरफ आते ही जॉन वो कार के बैक साइड की तरफ मुझे कैमरे के लिए रील्स वगैरह ही ले रहा था। तो उससे ही वक्त इसको ठीक अपने सामने की तरफ एक छोटे से रिकॉर्डिंग टीवी में माइक एंड लीना की कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, जो कि वो दोनों ही इसे ही हॉस्पिटल के किसी कमरे के अंदर इंटेंस तरीके से प्रेगनेंसी के मैटर के बारे में बात कर रहे थे कि लीना को जो उल्टी जैसा फील हो रहा था वो नॉर्मल उल्टी जैसा फील न होकर बल्कि प्रेगनेंसी के कारण हो रहा था। एंड शॉकिंगली वो प्रेगनेंट और किसी की वजह से नहीं बल्कि माइक से होती हैं। वेल आप सभी को पता ना हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉन और लीना वो पिछले 4 साल से डेट कर रहे थे, तो उसी के चलते वो दोनों ही आने वाले नेक्स्ट वीक रेलेवेंटली ही एक दूसरे से शादी करने वाले थे। पर जैसा कि अभी हम सभी नहीं देखा कि लीना एंड माइक का जॉन के पीठ पीछे एक दूसरे के साथ अफेयर चल रहा होता है। तो बस अब जॉन व माइक के लीना की बातों को सुन अंदर से बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होते हुए सीधा फिर से हॉस्पिटल के अंदर जाकर उन दोनों को ढूंढने के लिए चले जाता है। तो अब जैसे तैसे हॉस्पिटल के अंदर आते ही जॉन, जिसको ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि लीना एंड माइक वो कौन से रूम में मौजूद थे, वो गलती से एक ऐसे रूम के अंदर आ जाता है जिसके चारों ओर फर्श और दीवारों पर बड़े ही क्रीपी तरीके से खून ही खून लगा हुआ था। एंड ठीक सामने की तरफ एक स्ट्रेचर पर सफेद चादर में लिपटा हुआ एक इंसान भी देखने को मिलता है, जिसके चारों तरफ इस दीवारों के तरह ही जैसा कि अभी हम सब देख ही रहे हैं खून ही खून लगा हुआ था, जो कि ये खून और कहीं से नहीं बल्कि चद्दर के अंदर सो रहे इससे ही इंसान का होता है। तो वेल अब स्ट्रेचर के बगल में ही खड़ा हुआ जॉन वो इस बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग पर दिल दहला देने वाले सीन को देख अपने हाथों की मदद से उसे बेड शीट को खींच कर हटाता ही है। तो उसे ही वक्त उसको ठीक अपने सामने की तरफ एक होश उड़ा देने वाला दृश्य देखने को मिलता है कि एक एशियन लेडी का जिसका बहुत ही बुरी तरीके से नीचे की तरफ से पूरा का पूरा पेट ही फटा पड़ा था, जिसका बच्चा ही लटक रहा होता है, शॉकिंगली स्टिल जिंदा होती है। लेकिन पास में ही खड़ा हुआ जॉन वो इसे दिल दहला देने वाले सीन को देख अंदर से इतना ज्यादा डर गया था कि वो उस औरत की मदद करने के बजाय इमीडिएटली बुरी तरीके से चिल्लाकर कमरे से ही भागकर निकल जाता है। बट बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी चीजें और ज्यादा भयानक होने वाली थी। तो एनीवेज जॉन वो उस कमरे से बाहर निकल लीना एंड माइक को ढूंढते ढूंढते अचानक से एक दूसरे कमरे के अंदर आ गया था, जहाँ पर इसको ठीक अपने सामने की तरफ तकरीबन एक ही पोजीशन में वियर्ड तरीके से खड़े हुए सेम तरीके के कपड़े पहने हुए 11-12 आदमी दिखाई देने को मिलते हैं। तो जिन्हें देख जॉन वो उनसे माइक एंड लीना के बारे में कुछ पूछता ही, तो तभी ही उससे पहले वो सबके सब आदमी एक साथ अपनी पैंट की जेब में से शॉर्ट गन को निकाल अपने सर के ऊपर रख बिना कुछ सोचे समझे एक साथ ही अपने अपने भेजे फाड़ के मर जाते हैं। एंड सीरियसली ये सीन देखने में काफी ज्यादा अनसेटलिंग था। तो खैर अब सीन इंस्टेंटली यहाँ से चेंज होकर माइक के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर वो अचानक से गन चलने की आवाज को सुन तुरंत उसको फॉलो करते करते एक रूम के अंदर ही आता है, जहाँ पर इसको ठीक अपने सामने की तरफ वही 10-12 आदमी मरे पड़े दिखाई देने को मिलते हैं, जिन्हें हमने अभी थोड़ी ही देर पहले गन से शूट होते हुए मरते हुए देखा था। बट माइक को इसे ही कमरे के अंदर शॉकिंगली जॉन भी दिखता है, जिसे किसी थाई आदमी ने होस्टेज बनाकर घुटनों के बल बिठाते हुए सर के ऊपर गन रख बॉन्डेज बना रखा था। तो बस अब सामने की तरफ खड़ा हुआ माइक जॉन की ऐसी हालत को देख उसको बचाने के लिए ही जाता, तो तभी ही उससे पहले वो कृपित थाई आदमी अपने हाथों में पकड़ी हुई बंदूक से एक ही झटके में जॉन के सर के चितड़े करके उसको फाड़ खुद भी अपने आप को उसी ही बंदूक से शूट करके मार लेता है। तो अब जॉन को इस तरीके से ऐसे मरता हुआ देख माइक वो तुरंत ही इस कमरे से बाहर निकल लीना को ढूंढने के लिए ही जाता है, ताकि ये दोनों जल्द से जल्द इस कृपी से हॉस्पिटल से बाहर निकल सके। लेकिन तभी ही उसी ही वक्त माइक को एक अपने सामने की तरफ हॉलवे में देखने को मिलता है कि कुछ अजीब सी थाई औरतें वो लीना को जबरदस्ती पकड़ घिसड़ते हुए ठीक पीछे ही बने हुए एक कमरे के अंदर लेकर जा रही होती है। तो बाय द वे आप ऐसा हैरान कर देने वाले सीन को देख माइक वो अपने पास में ही पड़ी हुई एक बड़ी सी लोहे की रॉड ले जैसे तैसे हिम्मत करते हुए बस उस कमरे के अंदर जाता ही है। तो तभी ही माइक को देखने को मिलता है कि वो थाई औरतें लीना को एक टेबल के ऊपर लेटाकर उसके हाथ पैरों को बांध रही होती है। तो अब जहाँ पर माइक वो इस चीज को देख अपने हाथों में पकड़े हुए उस रॉड की मदद से उन सभी ही औरतों के सरों को फोड़ लीना के हाथ पैरों को खोलकर उसको इधर से लेकर जाता ही, तो तभी ही उसे ही वक्त लीना के पेट में अचानक से बहुत तेज का दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जिसे देख माइक वो इस बारे में कुछ करता है, तो तभी ही उसे ही दौरान लीना के पेट के अंदर से कोई बच्चा वगैरह बाहर निकलने की बजाय एक बड़ा ही खतरनाक सा जानवर जैसी चीज बाहर निकल आती है। वेल अब एग्जैक्टली वो क्या चीज है जो लीना के पेट से ऐसे बाहर आई है, तो इस बारे में आप सभी को भी थोड़ी ही देर में अपने आप ही देखकर पता चल जाएगा। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में
माइक वलीना के पेट से उस भयानक सी चीज को बाहर निकलता हुआ देख जैसे तैसे भागकर इस हॉस्पिटल से बाहर निकल कार के अंदर बैठकर इधर से भागता ही तो उसी ही वक्त वो ही लीना के पेट से बाहर निकली हुई चीज वो माइक की कार को जोर से साइड से धक्का दे उसको पूरा का पूरा पलट देती है। तो एनीवेज माइक वो इस एक्सीडेंट के दौरान मरने से बाल बाल बच गया था। रेंगते हुए कार से बाहर ही निकल रहा था तो तभी ही हम सभी ही कार की छत के ऊपर देखते हैं कि लीना के पेट से निकली हुई चीज और कोई नहीं बल्कि एक बड़ा ही खतरनाक सा सैटेनिक बकरा होता है जो कि वो शॉकिंगली माइक को अपना पापा कहता है क्योंकि आफ्टर ऑल लीना वो और किसी की वजह से नहीं बल्कि माइक की वजह से ही तो प्रेग्नेंट होती है। और बस इसी ही क्रिपी एंडिंग के साथ हमारी ये मूवी ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों अगर आपको ये एनोथोलॉजी मूवी अच्छी लगी हो तो इसके दरअसल दो और पार्ट है जिन्हें आप चाहते हो कि हमको उनको भी एक्सप्लेन करना चाहिए तो ऑफकोर्स आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो वेल दोस्तों यही थी वी आर चेक्स टू की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।